नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विगी बाबा कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज आप मेरे साथ देख सकते हो, आज है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमारा टॉपिक चल रहा था, यानी कि इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी कि विविध प्रकार के क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टाइप की हमने फर्स्ट टाइप में क्या शून्यांक निकालना सीखा। को गिवन होंगे। देन सेकंड टाइप में हमने क्या सीखा कि हमारे पास क्या है, एक शून्यांक यानी कि एक रूट दिया होगा और हमें वहां से कोई कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और थर्ड टाइप में हमने क्या पढ़ा था, थर्ड टाइप में हमने सीखा था कि आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी और उसको किसी नंबर से भाग करना होगा, डिवाइड करना होगा, उसके बाद जो शेष होगा, रिमाइंडर होगा, वो फाइंड आउट करना था। क्लियर है? आज जो हमारे टाइप है इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, यानी कि विविध प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? नाउ स्टार्ट। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघातीय बहुपद समझ रही हैं? द्विघातीय बहुपद कहें या समीकरण कहें, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है अब, कि जिसके शून्यांकों का योग यानी कि जो उसके रूट्स है उनका सम कितना दे दिया है, सम योग यानी कि सम, और गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट, फल कितना है 0 और रूट 5 कर्मस है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। और ये जो क्वेश्चन आपका लैब अटेंडेंट के एग्जाम में 13 सितंबर 2018 में पूछा जा चुका है। क्लियर है दोस्तों? ये जरूरी नहीं कि सिर्फ डी ग्रुप के ही पेपर में पूछे गए हों, बाकी हमारे अदर एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लगातार इस वीडियो को देखिएगा, आप इन लेक्चर्स को अटेंड कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि जो आपके लेंथी पोर्शन से आज तक आप लेंथी वे से करते आ रहे थे, उनको हमने किस तरह से चुटकियों में सॉल्व कर दिया सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारे क्वेश्चंस हैं ये हमारे। क्वेश्चन में देखिए क्या फाइंड आउट करना है आपके पास। क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात बहुपद निकालना है, इट मींस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब तक देखिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर चुके हैं, द्विघात समीकरण, तो ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है ना, पढ़ चुके थे आप, नॉर्मल बात है ये। हाँ, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने डिस्कस किया था जो इसके शून्यांक होंगे यानी कि रूट्स कहूँ, मूल कहूँ, तो वो क्या, इसके शून्यांकों का योग यानी कि इसके जो रूट्स है उसका सम हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज करते हैं कि अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। रूट से क्या समझते हो आप, कि एक्स की दो वैल्यू होंगी, उनको क्या रूट्स कहा जाता है या शून्यांक कहा जाता है या मूल कहा जाता है। ओके, देन हमने कहा था अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? यानी कि जो इसके शून्यांक है इनका योग, एक्स की दो वैल्यू होंगी, पहली अल्फा सपोज करें, दूसरी बीटा, इन दोनों का योग किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के, माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है। और इसका जो प्रोडक्ट है यानी कि अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, हमेशा सी बाय ए के, किसके, सी बाय एक इक्वल होता है। ये नॉर्मल बात है, ये आप सीख चुके हो, ये पहले भी पढ़ चुके हो आप। अब क्या कहता है कि अब उसने क्या है, सम भी दे दिया है, सम दे रखा है और प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल भी दे दिया है, तो हमें क्या है, यहाँ से
ये इक्वेशन बनानी है, यानी कि ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कहाँ से होगी? जो हमें क्या दी गई, ये इसका योग दिया गया, शून्य अंकों का योग दिया गया। अब मैं यहाँ पे कह सकती हूँ ना अल्फा प्लस बीटा की जगह योग दिया गया है, कितना दिया गया है, जीरो। क्या दिया गया है, जीरो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखूंगी ना जीरो, क्योंकि सम क्या दिया गया है, जीरो, और प्रोडक्ट क्या दिया गया है, माइनस रूट फाइव। ठीक है, ये किसके इक्वल है, माइनस बी बाय ए के इक्वल है। ओके, सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल दी गई है, रूट फाइव ही है ना, एक बार कंफर्म कीजिए। हाँ, रूट फाइव। अब देखिए, कर्मश का मतलब रिस्पेक्टिवली, जो पहले कहा गया है वो पहले की वैल्यू होगी, जो दूसरे बार कहा गया वो दूसरे की वैल्यू होगी। जैसे उसने कहा योग और गुणनफल, तो पहले योग दिया गया है, बाद में गुणनफल दिया गया है। ओके बच्चों, ये याद रखना। प्रोडक्ट कितनी दी गई, गुणनफल कितना दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा की जगह लिख दो गुणनफल कितना आया है, रूट पाँच, वर्गमूल पाँच बराबर सी बाय ए। कोई प्रॉब्लम? जो वैल्यू थी हमने वो रख दी, क्लियर है। यहाँ पे देखिए वन ए है, ए है, मैं इसके नीचे वन लगा दूँ कोई फर्क पड़ेगा जीरो पे, या वर्गमूल पाँच के नीचे वन लगा दूँ कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। बस एक चीज़ ये जरूर याद रखना, जो ए की वैल्यू है वो दोनों में सेम होनी चाहिए। यानी कि जैसे यहाँ पर देखिए ए के बराबर में क्या आ रहा है, वन, और यहाँ पर भी ए के बराबर में क्या आ रहा है, वन, सेम रहनी चाहिए, ये कंडीशन होती है, क्लियर है। अब आप तो कहेंगे जो इसके नीचे तो कुछ था ही नहीं, ना इसके नीचे था कुछ, आपने तो खुद बना दिया, कुछ फर्क पड़ता है इक्वेशन पे, नहीं पड़ता है ना। लेकिन जो हमारे पास गिवन है वो किस में है, फ्रिक्शन में दिया गया है, तो हम नीचे वन लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम नीचे वन लगा सकते हैं। सो जो जिसके बराबर में पड़ रहा है, यानी कि बी के बराबर में क्या पड़ रहा है, जीरो, तो मैं ये कह सकती हूँ बी, या माइनस बी कहूँ, ये माइनस इधर दे दूँ, क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जीरो। ऐसे ही ए के बराबर में क्या, सीध में देखो क्या पड़ रहा है, वन, तो ए की वैल्यू क्या आई, वन। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो यहाँ से भी वन आ रही है, यानी कि हमारा जो स्पोज किया हुआ है आंसर ए की वैल्यू ठीक है। यहाँ से सी के बराबर में क्या आ रहा है भाई, सी की जो सीध है उसमें क्या है, रूट फाइव, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ गई, रूट फाइव, क्लियर है। तो यहाँ से देखिए ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी भी पता चल गया, तो बना सकते हो इक्वेशन, इक्वेशन ही यही होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अभी जहाँ पर ए है वहाँ पर ए डाल दे, ए की वैल्यू कितनी आई है, वन, क्या आई है, वन, तो वन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट बी की वैल्यू क्या आई है, माइनस जीरो या प्लस जीरो, फर्क पड़ता है जीरो से, नहीं पड़ता ना, जीरो तो जीरो ही होती है वैल्यू, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की हो, है ना। नाउ अब यहाँ पे बी की वैल्यू मैं जीरो रखू, प्लस की रखू या माइनस की, जीरो की गुणा एक्स से होगी तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो प्लस का हो या माइनस का, जीरो, जीरो सभी वैल्यू को क्या कर देता है, जीरो कर देता है। ओके, तो यहाँ से बी ये वाली वैल्यू क्या हो गई, जीरो, क्लियर है। प्लस सी, सी की वैल्यू क्या आई है, वर्गमूल पाँच, देखो मैंने ये प्लस यहाँ लगा दिया, यहाँ क्या आ जाएगा, वर्गमूल पाँच, और बराबर में जीरो की है ही है। तो ये आपकी क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। बस इतना सा फाइंड आउट करना था। ये जो आपका आंसर बनेगा, देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है इसके लिए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और देखिए कुछ भी नहीं किया है, वन को मैं लिखूँ या ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, वन को लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से। देखिए हमने क्या किया था, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, रिमाइंड करवा देती हूँ आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मूला लिखा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, क्लियर है, ये सिंपल है, आपके पास बेसिक आप समझ चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट शून्य अंकों का योग किसके बराबर होता है, फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट क्या कहता है, सी बाय ए के इक्वल होता है। क्या दे रखा था हमें,
योग दिया था यानी कि सम दिया था, तो सम की जगह क्या वो वैल्यू रख दी और माइनस बी बाई ए एज इट इज, ऐसे ही प्रोडक्ट की वैल्यू दी गई थी वो रख दी हमने। अब देखिए जब ये फ्रिक्शन में, तो इसको भी हम किस में, फ्रिक्शन में बनाएंगे, ठीक है। अब जीरो के नीचे वन लगा दो, रूट फाइव के नीचे वन लगा दो, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। याद रखिएगा हर एक संख्या के गुणा में भी एक होता है और भाग में भी एक होता ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस संख्या पे, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने जब फर्क ही नहीं पड़ता तो हम लगा सकते हैं ताकि हमारी क्या ये फ्रिक्शन बन जाए, भिन्न बन जाए। तो यहाँ से हमने देखा b के बराबर में क्या आ रही है, जीरो, b की वैल्यू माइनस जीरो होगी, a की वैल्यू एक, c की वैल्यू वर्गमूल पांच। तो हमने इसमें जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उसमें ये वैल्यू पुट अप कर दी। दैट्स इट यार, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आप आंसर कोशिश कीजिए अगर हो पाए तो इस क्वेश्चन का। अब क्या है, आपको थ्री ऑर्डर की इक्वेशन दे दी है, ठीक है। तो आप इसमें क्या ढूंढने हैं, आपको मूल फाइंड आउट यानी कि शून्यांक ढूंढने हैं। आप घनीय समीकरण यानी कि थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन गिवन है, क्या मैंने कहा था कि आपकी इक्वेशन सिंपल इक्वेशन होगी, ठीक है, रैखिक, जिसको लीनियर इक्वेशन कह देते हैं। सेकंड आपने आप पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब ये थर्ड के आगे घनीय समीकरण यानी कि थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि घनीय समीकरण 4x³ + 20x² - 23x + 6 = 0 है, जीरो में से एक मूल माइनस सिक्स है, यानी कि उसका एक रूट दे दिया है। मैंने बताया था आपको कि ये जितनी बड़ी इक्वेशन होगी, अगर सेकंड ऑर्डर की द्विघात है तो एक्स की दो वैल्यू होंगी, अगर तीन घात वाली इक्वेशन है यानी कि घनीय समीकरण है तो क्या हो गया, उसके एक्स के तीन रूट होंगे, अगर चार की होगी तो एक्स के चार रूट होंगे, क्लियर है। नाउ कहते एक तो मूल दे दिया उसने माइनस सिक्स, तो दूसरे दो और फाइंड आउट करने हैं आपको, क्या करने हैं, दूसरे रूट, दो और रूट फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में इस तरह के क्वेश्चन कर रहे थे तब आपके पास एक बेसिक फॉर्मूला था, क्या हम कहते थे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा करके हम हमारे ऑप्शन की हेल्प लेते थे और वहाँ से हम हमारे जो रूट्स हैं वो फाइंड आउट कर लेते थे, क्लियर है। अगर मैं उस इक्वेशन की भी बात करूं, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन की भी बात करूं, तो उसमें भी क्या होता है, देखिए जब भी आपको एक इक्वेशन दी गई हो जब बराबर में हमेशा जीरो ही होगा, लीनियर इक्वेशन की बात कर रही हूं मैं, क्वाड्रेटिक हो या थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन हो, फोर्थ ऑर्डर की, फिफ्थ ऑर्डर की, कोई भी ऑर्डर हो, क्लियर है। तो याद रखिएगा मूल क्या होते हैं, उसके मूल या शून्य, शून्यांक या शून्य क्या होते हैं, या फिर रूट कहूं तो इंग्लिश में, तो वो क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू होती है, क्या होती है, एक्स की वैल्यू, जितनी बड़ी इक्वेशन होगी उसकी एक्स की वैल्यू उतनी ही होगी। अब ये तीन डिग्री की इक्वेशन है, थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन, एक्स की वैल्यू कितनी होंगी इसमें, तीन होंगी। तो कंडीशन क्या रहती है, रूट का मतलब क्या होता है कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होती ही होती है, यानी कि जो आपको एक समीकरण इक्वेशन दी गई होती है उसमें आप वो एक्स की वैल्यू रखते हो तो वो क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। ये आपके क्या रूल कहता है, रूट का मतलब है कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि आप इस लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे तो ये किसके राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगा, ओके क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैं कहना क्या जा रही हूँ, ओके। सो क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ, क्या इक्वेशन दी गई है हमें, घनीय समीकरण यानी कि थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन दी गई है। थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन देखिए क्या है, 4x³ + 20x² -
माइनस 23x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन का क्या मतलब है, समीकरण का जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो क्या है, पहले पावर 3, फिर 2, फिर पावर 1, फिर पावर 0, इस तरह से चलती हैं। ये है थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन, क्योंकि सबसे बड़ी पावर क्या है, 3। क्लियर है? तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होंगी, 3। x की जो वैल्यू होंगी वो कितनी होंगी, 3। अब उसने एक वैल्यू दे दी, x की एक वैल्यू गिवन है कितनी, 6। x की एक शून्यांक दे दिया कितना है, 6। तो दूसरे क्या हमें फाइंड आउट करने हैं, दो जो वैल्यूज होंगी, रूट्स होंगी, वो कौन कौन सी होंगी। और ये जो क्वेश्चन है ये मैं बता दूं आपको, एसएससी क्लर्क के एग्जाम में अभी जो 2019 में पीछे एग्जाम हुए थे सितंबर में, उसकी इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए थर्ड ऑर्डर इक्वेशन दी गई है, एक मूल आपको पता चल गया है ना, क्या दिया गया है, माइनस सिक्स है, क्या दिया गया है, माइनस सिक्स। दो रूट और होंगे, क्योंकि टोटल कितने, 3 रूट होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 1/2 है, और सेकंड में क्या हो, 1/2। बी है 1 और माइनस 1/2। सी है 1/2 एंड माइनस 1, एंड डी इज माइनस 1/2 एंड 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम ऑप्शन से, किससे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए स्पॉज करते ही हमारा आंसर हो, ऑप्शन नंबर ए में एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, एक्स की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों, 1/2। एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, 1/2। हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे, अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखूँ तो ये 0 हो जाए, तो समझ लेना वो उसका क्या होगा, रूट होगा, शून्यांक होगा। ओके चलो ट्राई करते हैं, ओके ट्राई करते हैं क्या होगा ये, इसका जो हमने x की वैल्यू 1/2 ली है, ये इसका शून्यांक मूल है या नहीं है, उसके लिए क्या x की वैल्यू रखेंगे, अगर 0 हो रही है तो वो समझ लेना क्या हो जाएगी, उसका रूट होगा। तो डाल दे फटाफट, x की जगह क्या डालना है, 1/2, x की जगह 1/2, फॉर एज इट इज x की वैल्यू क्या है, 1/2। अब 1/2 का क्या कर रखा है, क्यूब, क्यूब कर दिया ना, अब ऊपर वाले का भी क्यूब होगा और नीचे वाले का भी क्या होगा, क्यूब होगा। तो यहां पर मैं लिख दूं ना डायरेक्ट, 1 का क्यूब क्या होगा, 1, और 2 का क्यूब क्या होगा भाई, 8, ओके 8 होगा, प्लस 20 लिख दिया, 20 x square का मतलब क्या है, 1/2 का स्क्वेयर, यानी कि 1 का स्क्वेयर भी होगा और 2 का स्क्वेयर भी। 1 का स्क्वेयर क्या होगा, 1, 2 का स्क्वेयर क्या होगा, 4, ओके नेक्स्ट, -23 x की वैल्यू क्या है, इंटू 1/2 प्लस 6। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको नहीं देखेंगे, ये तो हमारा उत्तर आ चुका है, रिजल्ट है, 0 के बराबर दिया ना, अगर यहाँ पे ये 0 हो गया तो समझ लेना कि ये क्या, इसका रूट है, इसका मूल होगा ये, तो फटाफट फाइंड आउट करें, कट डाउन हो रहा तो कट कर दें, 4 × 1 = 4 × 2 = 8 कितना हो गया, 1/2। नेक्स्ट क्या कट डाउन हो रहा है, 4 × 5 = 20 प्लस में क्या आ गया, 5, -23/2, क्योंकि कट डाउन नहीं होगा तो ऊपर वाले के गुणा, गुणा कर दूं तो क्या आ गया, 23/2 प्लस 6। आप देखिए क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले देंगे, 1 सपोज करें क्या आ गया, 1, अब एलसीएम ले दें, इसको सॉल्व कर दें, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2, एलसीएम क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 1, अब 2 की मल्टीप्लाई 2 की मल्टी भा 2 को किससे, 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 प्लस में क्या आ जाएगा, 10, माइनस
23, क्योंकि नीचे भी क्या है, दो। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 6 × 2 = 12, किसका है, प्लस का। अब फटाफट सॉल्व कर दें इसको। देखिए यहां पर, देखिए ये आपका लिख देती हूँ मैं, इज इक्वल टू किसके है, 0 के। क्या प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो, राइट हैंड साइड के इक्वल हो, है ना, यही चाहिए ना हमें। अब सॉल्व कर दे बच्चों, क्या हो जाएगा, देखिए 12 और 10 = 22 और 1 = 23, ये क्या आ गया, इन सभी को जोड़ने के बाद क्या आ गया, 23। ठीक है, 23 - 23 में से 23 किया 0, तो ये इसकी जगह क्या आ गया, 0 आ गया ना। अब 0/2, किसी भी 0 को किसी भी संख्या से भाग करो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी कि ये क्या आ गया आपके पास, ओवरऑल मैं रेज कर देती हूँ, क्या आ गया, 0। और प्रूफ आना भी क्या चाहिए था, 0 ही आना चाहिए था, तो हमारा ये प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ ही नहीं है, थोड़ा सा लेंथ ही है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, दैट्स इट। तो ये था बच्चों आपका सॉल्यूशन, बहुत ही इजी था, आपको क्लियरली समझ आ गया क्या मेन फैक्ट क्या था इस क्वेश्चन में, क्या समझना है आपको। जब भी रूट निकालना हो किसी भी इक्वेशन का, कितनी भी बड़ी इक्वेशन आए, कितनी भी छोटी इक्वेशन आए, तो क्या ऑप्शन से हेल्प लेंगे, ऑप्शन की हेल्प लेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे उसको। क्या होता है रूट का मतलब क्या होता है, उसके मूल या शून्यांक का मतलब क्या होता है, कि वो क्या है, एक्स की वैल्यू होंगी, या एक्स की जगह पी, क्या हो, एल, एम, एन, कुछ भी दिया हो, लेकिन क्या है, लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए आपके, ठीक है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, 3, 2, 1, 0, या 2 की है तो 2, 1, 0, क्लियर है। अगर 4 की होगी तो 4, 3, 2, 1 एंड एक्स की पावर 0 होगी, क्लियर है। तो इस तरह की जब भी आपके पास इक्वेशन आ जाए और आपको रूट ढूंढने हो, उसके मूल या शून्यांक फाइंड आउट करने हो, तो क्या करोगे, ऑप्शन से ट्राई करोगे इन क्वेश्चन को। अगर आप नॉर्मल मेथड से करते हो तो बहुत ज़्यादा लेंथी और टाइम कंजप्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा आपका, तो हमें क्या करना है, शॉर्ट से शॉर्ट मैथड यूज़ करने हैं इनको सॉल्व करने के लिए। एक चीज़ याद रखिएगा, क्या कि रूट क्या होगा, वो जब भी एक्स की वैल्यू रखेंगे ना, तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा जो दी गई होगी, हमेशा 0 के इक्वल ही होता है, यानी कि जब भी आप एक्स की वैल्यू पुट अप करोगे तो ये क्या पूरी की पूरी 0 हो जानी चाहिए, तो वो उसका क्या होगा, रूट होगा, क्लियर है। 1/2 सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। अब सेकेंड रूट भी क्या है, 1/2 ही होगा, दूसरा तो नहीं कर पाएगा, क्लियर है। तो इस ऐसे ही अगर आप चाहो तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुका है कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ओके, गॉट इट, क्लियर है ये क्वेश्चन। अगर आप चाहो तो, प्रैक्टिस करना चाहो तो आप सेकंड भी अप्लाई करके देख लेना, क्या कर लेना, सेकंड भी अप्लाई करके देख लेना ऑप्शंस, तो आपको पता चल जाएगा, यानी कि -1/2 भी रख के देख लेना, -1 भी रख के देख लेना, आप ऑप्शन अप्लाई करके देखना, वो 0 के इक्वल कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो इसके रूट्स है वो क्या है, एक -6 है, दूसरा 1/2 है, और तीसरा भी क्या है, 1/2 है, कि दो रूट सेम है और तीसरा क्या है, डिफरेंट है, क्लियर है, समझ आ चुका है आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, एग्ज़ाम में 15% का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा लेंथी होता है, टाइम कंज्यूम करने वाला पोर्शन होता है, और ये जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के ही ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, सो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने की, ओके सॉल्व करते हैं। यदि 2 × 2^2 -6.2 × x +8 = 0 है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करें, x की वैल्यू क्या होगी। ओके, अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज रख के देखेंगे, ठीक है, 0 के इक्वल दी गई है,
पोज करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं मैं आपको, ये भी क्लर्क के एग्ज़ाम में 2019 के जो एग्ज़ाम हुए थे सितंबर में, उसी में ही क्लर्क के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। और देखिए स्टेटमेंट क्या कह रही है, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ साथ के साथ। स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट इज दैट 2 raised to power 2x माइनस 6.2 raised to power x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देन x की क्या वैल्यूज होंगी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू पुट अप करके देखेंगे कि ये इसके रूट है या नहीं है। यानी कि आपके पास x की दो वैल्यूज गिवन है, दोनों वैल्यूज को रख के देखो, अगर वो जीरो के बराबर हो जाए पूरी के पूरी इक्वेशन, तो समझ लेना वो उसका क्या होगा, x की वैल्यू होंगी या उसके रूट होंगे, किसके गिवन इक्वेशंस के रूट होंगे। क्लियर है? अब इनमें से देखिए हम किस ऑप्शन को चूज करें। मेनली ये भी ध्यान देना चाहिए हमें कि प्रायोरिटी किस ऑप्शन को दी जाए। सपोज करें देखिए, ए ऑप्शन क्या है, -1 and -2, एंड बी क्या है 0 and 1, एंड सी क्या है 1 and 2, क्या है 1 and 2। अब डी क्या है, इनमें से कोई भी नहीं। अब बी और सी में से किसी एक को चूज करते हैं, बी और सी में से। क्यों? क्योंकि देखिए इन दोनों में क्या दिया गया है, प्रायोरिटी किन को देंगे, बी या सी को। इन दोनों में क्या है, वन कॉमन है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वन क्या हो, इस इक्वेशन का क्या हो, रूट हो। यानी कि एक्स की वैल्यू वन रखने पर क्या हो, ये पूरे की पूरी वैल्यू, ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्लियर है? अब आप सोचेंगे कि बी और सी में से बी को प्रायोरिटी दे या सी को दे। क्लियर है? जी, अब देखिए बी तो आपका यहां से बिल्कुल कट हो जाता है। देखिए क्यों, अब आप मेंटली कैलकुलेट कीजिए। यहां पर मैंने देखिए एक्स की वैल्यू क्या, जीरो रखूं, एक्स की वैल्यू जीरो रखूं, तो यहां पर क्या है, दो की गुणा जीरो से करूंगी तो क्या आ जाएगा, जीरो, और दो की पावर जीरो हो जाए। सपोज करें दो की पावर क्या, जीरो, तो वो मैंने आपको बताया था कि कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर उसकी पावर क्या आ जाए, जीरो, तो वो संख्या किसके, वन के इक्वल हो जाती है। किसके इक्वल हो जाती है, वन के इक्वल हो जाती है। तो जब मैं दो की पावर जीरो करूंगी तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर दो की पावर क्या, जीरो, तो ये भी क्या आ जाएगा, वन। तो ये देखिए 1 - 6, ये भी क्या आ गया, 1। देखिए इस डॉट का मतलब क्या है, गुणा में है ये दो संख्याएं। कई बार हम इस तरह से डॉट प्रोडक्ट दिखा देते हैं, इसका मतलब क्या है, इन दोनों की क्या है, प्रोडक्ट हो रही है, यानी कि गुणा हो रही है। ओके, देन नाउ यहाँ पर 6 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 6। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, -5 + 8, जीरो तो नहीं आया ना, नहीं आया जीरो, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है? क्योंकि यहाँ से आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जहाँ पर x क्या है, नहीं है, x नहीं है, तो वो क्या है, 8 तो रहेगा ही रहेगा। तो ऑप्शन बी को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन बी के बहुत कम चांसेस हैं, नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्या लेंगे, अब हम क्या लेंगे, ऑप्शन नंबर सी लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। आप ऑप्शन नंबर सी में से हम किसको देखें, वन को देखें या टू को देखें, हम देखेंगे टू को, वन को नहीं देखेंगे, क्योंकि वन हो सकता है, बी में भी वन था और सी में भी वन है, यानी कि हो सकता है इसके 80% चांसेस हैं कि जो वन है इस इक्वेशन का रूट होगा ही होगा। तो हम किस पे अप्लाई करेंगे, टू पे। दो को एक्स की वैल्यू दो रख के देखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, दो, एक्स की वैल्यू टू रख के देखेंगे, अगर टू हो रहा तो वन तो होगा ही होगा, क्योंकि ऑप्शन यही है, सी ही है ऑप्शन, जिसमें वन और टू दोनों गिवन है। तो आपको इस तरह से चूज करना होगा अपने माइंड को चारों तरफ से खोलकर। ओके, एंड सपोज करें मैंने एक्स की वैल्यू टू रखी, एक्स इज इक्वल टू
टू, और फटाफट जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टू रख देंगे। अगर पूरे इक्वेशन पूरे समीकरण जीरो हो रही है तो बच्चों समझ लेना ये क्या है, उसका रूट है इक्वेशन का। ओके तो फटाफट जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम टू रखेंगे। एक्स की जगह क्या रखना है भाई, टू रखना है। यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट में था तो टू इंटू टू क्या हो जाएगा, फोर। टू की पावर फोर, टू की पावर क्या हो गया, फोर। टू की पावर फोर को क्या कहेंगे हम, सोलह। क्या कहेंगे, सोलह। टू की पावर फोर का मतलब क्या है, दो गुना दो गुना दो। दो कितने बार है, चार बार। दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह। क्लियर है। नेक्स्ट माइनस सिक्स पॉइंट टू, टू की पावर एक्स, टू की पावर एक्स का मतलब टू की पावर क्या होगी, टू। टू की पावर टू का मतलब क्या होगा, दो का वर्ग कितना होता है, चार। और चार के गुणा में क्या है, डॉट है, डॉट का मतलब गुणा है, क्या है, छः। तो क्या आ जाएगा, छः चौक चौबीस। ओके प्लस आठ इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये पूरी इक्वेशन जीरो के इक्वल होनी चाहिए। जीरो के इक्वल होगी तभी तो वो उसका रूट बनेगा। ओके नाउ कर लो आठ, सोलह और आठ कितने होंगे भाई, चौबीस। और माइनस चौबीस, ये जीरो था, ये भी क्या आ गया, जीरो। तो देखिए ये क्या आ गया आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। यानी कि जब हमने एक्स की वैल्यू क्या रखी, टू रखी, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो गई, जीरो। तो समझ लो वो क्या है, उसका एक रूट की या एक्स की वैल्यू है, उस समीकरण का रूट है, उसका मूल है, शून्यांक है, क्योंकि वो एक्स की एग्जैक्टली सही वैल्यू है। ओके क्लियर है बच्चों आपको ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू 2 तो प्रूफ होगी। अब 2 और कहाँ है, 2 के साथ किसका जोड़ा मिल रहा है, 1 का, तो 1 भी होगा ही होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा है जिसमें क्या है, 1 और 2 गिवन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ओके तो इस तरह से आपको अपना टाइम कंज्यूम करना है, आपको ये थोड़ा सा एस्टिमेट लगाना होगा कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और अब आपको ये भी देखना होगा कि मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करूँ, आपको ये कन्फर्म हो गया सो आपको वन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।